नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। सीहोर मोगावली ग्राम में सृष्टि कुशवाहा को अभी तक बोरवेल से बाहर नहीं निकाला जा सका है। रेस्क्यू के दौरान बड़े बड़े पत्थर आ गए और जिनको मशीनों से तोड़ा जा रहा है और जिससे वही कंपन होने के कारण नन्ही बच्ची 50 फीट और नीचे खिसक गई है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निरंतर इस घटना पर संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ सेना के रेस्क्यू टीम भी मोगावली पहुंच गई है और जहां नन्ही सृष्टि को बचाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। और इसी घटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संदेश जारी किया है। मित्रों, सीहोर जिले के मोगावली गांव के एक बोरवेल में बेटी सृष्टि, जो बहुत छोटी आयु की है, 2 से 2.5 साल के बीच की उम्र है, वो कल गिर गई थी। लगातार निकालने के प्रयास जारी है, लेकिन खोते समय वाइब्रेशन के कारण, क्योंकि बेटी बहुत छोटी है, पहले 40 फीट पे वो अटकी थी, अब लगभग 100 फीट नीचे चली गई है। हमने अभी अभी आर्मी कॉल की है, आर्मी पहुंच रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ पहले से काम कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि अगर आर्मी भी पहुंचेगी तो शायद हम जल्दी बच्ची को निकाल पाएंगे। हमारी कोशिश है कि बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया जाए और भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि हम सफल हों। उज्जैन के अंकपात क्षेत्र के घर से बाहर लापता हुई 4 साल की मासूम बालिका का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है और पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज करते हुए बालिका के युद्ध स्तर पर तलाश शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में एसपी सचिन शर्मा बालिका के घर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज देखे और अंकपात क्षेत्र में स्थित छोटी कमल कॉलोनी में रहने वाले 4 वर्षीय राजनंदनी उर्फ नन्नू अपने घर के बाहर से खेलते खेलते अचानक हो गई। लापता हो जाने पर परिजनों ने उसे काफी देर तक ढूंढा, लेकिन जब तक पता नहीं लग सका तो शाम को चिमनगंज मंडी थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। और इधर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी और पुलिस को घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज मिले हैं और जिसमें वह घर के बाहर खेलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि मासूम बालिका का अपहरण का मामला सामने आया और घर के बाहर वो खेल रही थी और उसी दौरान लापता हुई है। इस दौरान एसपी पहुंचे बालिका के घर और सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की, उसमें बच्चे की तस्वीरें खेलते हुए नजर आई है। उज्जैन जिले के थाना चिमनगंज अंतर्गत कमल कॉलोनी में एक 4 साल की बच्ची गुमी है, जिसमें 363 की कायमी की गई है। यहाँ पे अतिरिक्त बल दिया गया है और लगातार कोम्बिंग और उसकी जो कॉर्डनिंग है वो की जा रही है। आम जनता से भी अपील है, वो छोटी बच्ची है, उसका फोटो सभी जगह पे भेजा गया है। यदि कहीं पर भी दिखती है तो जो नंबर आपको दिए गए हैं उस पर आप सूचना करके उस बच्ची को ढूंढने में जल्दी जल्दी मदद करवाएं। सागर के मकरौनिया में नगर पालिका प्रशासन की ओर से क्षेत्र में विकास कार्य के नाम पर अजीबो गरीब खेल चल रहा है और जहां शासकीय भूमि के साथ निजी भूमि पर शासकीय निधि का दुरुपयोग कर निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं और जिसकी बानगी उस वक्त सामने आई जब सिंधी समाज श्री झूलेलाल गृह निर्माण समिति के आरक्षित भूमि पर बिना समाज के अनुमति के नगर पालिका प्रशासन ने विधायक से निर्माण कार्य का
श्री गणेश करा सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया और जब समाज के लोगों को इस मामले की जानकारी मिली और उन्होंने आपत्ति की तो उसके साथ ही मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया गया। मामले में पीड़ित पक्ष के लोगों ने थाना पुलिस, नगर पालिका प्रशासन, विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा पार्षद और भाजपा के लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए भूमाफिया करार देते हुए उन पर जमीन हथियाने का आरोप लगाया है और मामले की शिकायत कलेक्टर से भी की है। अपना हक मांग रहा हूँ, जो 113 मेंबर में कोई कानून नजर नहीं हूँ, ये हमारी स्वयं की गृहमान समिति है, सब अपने अपने मकान बनाए, सबके बच्चे बड़े सबको मांगने की जरूरत है। अपनी भूमि पर काम करने को अगर आप हमें बोले टक्कर लेना तो मैं नहीं समझ रहा टक्कर है, मैं तो अपना हक मांग रहा हूँ। 113 प्रतिनिधि जो सदस्य उनकी तरफ से प्रतिनिधि रूप में बात कर रहा हूँ, मैं सबको हक मिलना चाहिए, जायज हो, मैं नाजायज मांग नहीं रहा हूँ, आपका एक इंच टुकड़ा तो मांग नहीं रहा किसी सरकारी तरीके से। भोपाल के दमोह स्कूल केस में पीएफआई के संबंध या टेरर फंडिंग मामले में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दमोह के गंगा जमुना स्कूल के संबंध में पुलिस को निर्देश दिए हैं कि मामले पर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करें और साथ ही गृह मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने हद कर दी है और चुनाव में बिजली बिल माफ करने का वादा किया और जीतने के वादे बिजली के दाम बढ़ा दिए। ये कर्नाटक में ये कांग्रेस जो बिजली माफी की बातें करती थी और बिजली के बिल बढ़ा दिए, इससे ज्यादा देश की जनता को समझने के लिए कोई बात हो नहीं सकती और इससे ज्यादा निंदा की कोई बात नहीं हो सकती। लगातार जनता को धोखा देना, किसान को धोखा देना, नौजवान को धोखा देना, आप कल्पना करें, मध्य प्रदेश में यही बात राहुल गांधी जी कह गए थे 2 लाख का 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, ना 2 लाख रुपए माफ हुए ना मुख्यमंत्री बदला। ये स्थिति नौजवान के बेरोजगारी भत्ते की थी, यही कन्यादान के विवाह की, यह भी कहा था कि अपने लिखित में जो इनके घोषणा पत्र था उसमें स्पष्ट रूप से वचन पत्र में डीजल पेट्रोल की कीमत कम करने का कहा और नहीं करा। ये सब चिंता और निंदा की चीजें होती जा रही है देश की जनता के साथ में और कर्नाटक में तो हद कर दी, बिजली के दाम बढ़ा दिए उल्टे। धार जिले के धर्मपुरी विधायक पाचूलाल मेड़ा हमेशा राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों में रहे हैं और मेड़ा आज अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर धार जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक ज्ञापन अतिरिक्त कलेक्टर को सौंपा और ज्ञापन में धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र के 4 सड़कों के साथ ही ग्रामीण अंचल में पीने के पानी की समस्या व कबड्डी के खिलाड़ियों को मीट दिलवाने की बात कही। धर्मपुरी विधायक इस बात को भी लेकर नाराज हुए कि आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में सीओ से लेकर एक भी अधिकारी उपलब्ध नहीं था जो कि उसकी समस्या सुन सके और पांचीलाल ने पत्रकारों को बताया कि मैंने इस सारी समस्याओं को लेकर विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से उठाया था और साथ ही धार जिला कलेक्टर को इस समस्या से अवगत करवा दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस समस्या का निदान आज तक नहीं किया। के ग्राम कठोरिया गुलुआ डिगलाई से रानीपुरा रोड और बरोदा से बिलोदा रोड, 3-4 रोड जो है बार बार हमने उठाए, आप 15 दिन बाद पानी आ जाएगा। कठोरिया से गुलुआ रोड इतना खराब है, वहाँ पे बच्चे स्टूडेंट आते हैं तो कपड़े ऊपर उठा के निकलना पड़ता बच्चों। इस प्रकार से समस्या को मैंने विधानसभा में भी उठाया, कलेक्टर साहब को भी लिखित में दिया, पिछली 5-7 तारीख को दिए के गया और इसके आवश्यकता नहीं है। अभी पीएचसी के द्वारा हमने हेड पंपों की मांग करी, मोटरों की मांग करी, पर अगर 5 मोटरों की मांग करते तो एक मिलती है। बगड़ी गांव में आज से भी वहां पर हमारे वरिष्ठ जन धरने पे बैठने की तैयारी कर रहे हैं, अगर 1-2 रोज में पानी की समस्या नहीं हुई तो गांव में पंचायतों में भी लोग धरने पर बैठेंगे और जनपद पंचायत नालछा में भी लोग धरने पर बैठने के लिए तैयार है। क्या लगता है कि धर्मपुरी में कांग्रेस का विधायक होने के कारण मेरी समस्या अगर विधानसभा में भी उठाता हूं तो हल नहीं होती है, क्योंकि इसके पहले कारम डूम के डूब प्रभावित लोग भी आज जंगलों में निवास।
इंदौर के समीप महू में एक पति ने अपनी नवविवाहिता पत्नी की बड़ी ही बेरहमी से चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी और पति ने खुद को भी घायल कर दिया और दोनों के ही 18 दिन पहले ही शादी हुई थी और मौके पर पहुंचे पुलिस ने पत्नी के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। वहीं घायल पति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और बताया जा रहा है कि आरोपी पति पीथमपुर की एक फैक्ट्री में काम करता था और वह शादी नहीं करना चाहता था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के पास आज सुबह रिपोर्ट आई थी कि एक लड़की जिसका नाम अंजलि है और जो कि मात्र 22 साल की है, उसके पति ने उसको जिले के मानपुर पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार करके उनके पास से 41 किलो गांजा जब्त किया है और यह गांजा 40 अलग अलग पैकेट में बांधकर एक बोरी में रखा गया था और मोटरसाइकिल से परिवहन किया जा रहा था। और टीआई सुदरेश मरावी ने बताया कि आरोपितों से सुखविंदर बैगा पिता राम कुमार बैगा और उम्र 18 वर्ष और श्याम लाल बैगा पिता मनी राम बैगा उम्र 45 वर्ष दोनों निवासी ग्राम कछुआ थाना मानपुर शामिल है। इससे हमको पता चला कि ग्राम कछुआ और दमना के बीच में दो व्यक्ति गांजा लेकर आ रहे हैं, तो सूचना पर हमने घेराबंदी की। घेराबंदी में हमने दो युवकों को गिरफ्तार किया जिसके पास 40 किलो 960 ग्राम गांजा होना पाया गया और इसमें अभी दो आरोपी, उनसे पूछताछ में दो आरोपी और पता चले हैं जो कि अभी अज्ञात, जो भी अभी गिरफ्तार होना शेष है। खबर भिंड से है जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली और पुलिस ने क्षेत्र में ताबड़तोड़ चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर को गिरफ्तार किया है। चोर के निशानदेही पर सोने चांदी के जेवर 24 लाख 1.5 लाख रुपए सहित चोरी में प्रयुक्त होने वाले औजारों को भी जब्त किया है। आरोपित ने लहार क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के शिक्षक भाई सहित 13 और जालौन में 3 चोरी करना स्वीकार किया है और चोरी का माल खरीदने वाले 3 ज्वेलर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। भिंड पुलिस को संपत्ति संबंधी अपराधियों के विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम में एक उल्लेखनीय सफलता मिली है। जब लहार थाने की टीम को थाना प्रभारी वरुण तिवारी के निर्देशन में एक बड़े नकबजन को पकड़ने में सफलता मिली है, जिससे कुल 13 लहार थाने की नकबजनी की वारदातों का खुलासा हुआ है। साथ ही जो आरोपी है उसने जालौन में भी 3 वारदात करना कबूल किया है। अभी उससे पूछताछ जारी है। जो अभी तक माल जब्त हुआ है उसमें सोने चांदी के जेवर, जिसमें जो कुल कीमती करीब 24 लाख रुपए के जब्त हो चुके हैं। महाकाल मार्ग चौड़ीकरण के विरोध में दुकान और होटल मालिकों ने कारोबार बंद रखा और काले झंडे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। नाराज लोगों का कहना था कि यदि चौड़ीकरण किया गया तो हमें आत्मदाह करने पर मजबूर होना पड़ेगा। बता दें कि नगर निगम द्वारा महाकाल मार्ग पर चौड़ीकरण किया जा रहा है और इसको लेकर महाकाल मंदिर के सामने दोनों ओर स्थित भवन मालिकों के अलावा दुकान एवं होटल संचालकों को नोटिस देकर 3 दिन में भवन और दुकान खाली करने का
समय दिया गया है। इसके विरोध में क्षेत्रीय रहवासी और दुकान होटल संचालक लामबंद हो गए हैं। जी, ये जो हमें पिछले 3 दिन पहले नगर निगम से जो नोटिस मिले हैं घर खाली करने के 3 दिन के अंदर, हम उसके विरोध में, चौड़ीकरण के विरोध में हम यहाँ आज यहाँ खड़े हुए हैं। काले झंडे घर घर हमने लगाए हैं, हमने हमारा पूरा कारोबार बंद करके आज सड़कों पर आए हैं। यहाँ पर करीब करीब 100 घर हैं जो फ्रंट में है, 30 इधर तरफ है और इधर अपंग आश्रम को मिला के और आगे मिला के 10 घर इधर है। कुल मिला के इससे प्रभावित होने वाले लोग कम से कम 5,000 लोग है। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र के एक कबाड़ी की दुकान में अचानक लगी आग ने इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना दिया। वहीं सूचना पर खजराना थाने के पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड समय पर मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत की।